अनिता तू तो जानती है ना मेरी सास कितनी खड़ूस है, उससे भी ज्यादा उसकी सास। हाँ वो जिंदा है अभी भी, मेरी सास तो वही गई है ना, इसलिए तो बिल्लू को मुझे संभालना पड़ रहा है। एक मिनट ना, ये क्या कर रहे हो तुम? जी मैं वो बच्चे को खेला, तुम्हें शर्म नहीं आती आपको? नहीं नहीं मैं तो बच्चे के साथ खेल रहा हूँ। ये तुम्हारी उम्र का है जो उसके साथ खेल रहे हो? हिम्मत है तो मेरे साथ खेलो। नहीं नहीं मैं आपके साथ, मैं तो सॉरी। अरे सुनो सुनो, जा कर रहे चुप कौन कराएगा? अरे मैं कैसे चुप करा सकता हूँ? इसे दूध पिलाओ। अरे मैं कैसे दूध पिला सकता हूँ मैडम? ये भी नहीं पता, ये लो बॉटल, जाओ वहाँ जाके बैठो। अच्छा खुद मत पीना समझे? नहीं नहीं ना बेटे ना। हेलो हो गया इंतजाम मैडम। उषा मैडम क्या है? पाटिया साहब ने बुलाया। हाँ बोलो आती हूँ। उन्होंने कहा अर्जेंट है, नहीं तो लॉस आपकी पेमेंट में से कटेगा। क्या? नहीं नहीं अभी आती हूँ, एक तू रख मैं बाद में फोन करती हूँ। बाय। चलो पांडे जी, मैं कुछ भूल रही हूँ। क्या भूल रही है? घर से आते वक्त मैं कुछ लेके आई थी, पर क्या वो? अरे हाँ मेरा बच्चा, कहाँ है मेरा बिल्लू? मेरा बिल्लू, बिल्लू कहाँ है? अरे ए चोर, चोर बच्चा, चोर। मैं बच्चा से, ये आप ही ने तो कहा था मुझे कि मेरा बच्चा चुराते हो। नहीं नहीं मैं बच्चा क्यों चुराऊंगा? ये चुप, ये दूंगी कान के नीचे। जी ये क्या किया आपने? ये मैंने नहीं किया है तो? ये इस बिल्लू ने किया है। आज मैंने बच्चे छुछु कर दिया। चलो हाँ दे दो। बाथरूम कहाँ है? उधर बाथरूम का दरवाजा खुलता है। स्टैटिक, एक बच्चा ना घुटने के बिल्ला चलते हुए अंदर आता है। बच्चे को मेडिक्योर पेडिक्योर कराना पड़ेगा। आ गया? हाँ बच्चा आता है ना, आता है ना। अरे आ ही नहीं रहा यार। बच्चा आ गया ना? नहीं नहीं नहीं, ऐड का आइडिया नहीं आ रहा, इंस्पिरेशन नहीं मिला सर जी, इंस्पिरेशन नहीं मिल रहा मैं। अरे आप इतना पान खाते हैं, पान खाने से दिमाग जरा कमजोर हो जाता है। अच्छा आप पहले खाते थे क्या? मैं पहले जब पाते हैं। भाई का डिस्टर्ब मत कीजिए, ये सोचने का काम है, दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है। दिल से? दिल वहाँ होता है। हाँ हाँ, आप जरा अपना बेबी सोप देंगे? कपड़े लाओ मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? जरा आपके बेबी सोप से नहाऊं तो शायद कुछ इंस्पिरेशन मिले। हाँ शुक्ला प्लीज आओ, पिछली बार कपड़े धोने के साबुन का ऐड किया था तब नहाया था, उसके बाद नहाए ही नहीं। जाओ नहा के सोचो कुछ। ओके जी, अब कब बन के आएगा स्क्रिप्ट? आ जाएगा, डोंट वरी। तुम कुछ सोचो, मैं भी सोचता हूँ। सोचते कितना ही। एक माँ बच्चे को नहलानी बाथरूम में ले जा रही। टॉली शॉट सुपर, शुरुआत बहुत अच्छी है। टीना बेबी प्लीज नोट डाउन द रिक्वायरमेंट्स, बाथरूम। यस सर। थोड़ा बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। चलो चलो। तो एक औरत यानी माँ अपने बच्चे को बाथरूम में नहलाने ले जा रही है, बच्चा रो रहा है। एक मिनट सर। समझे, बच्चा रो रहा है। साबुन उठाती है, घिसती है, मैल नहीं जाता। दोबारा घिसती है, मैल नहीं जाता। ब्रश उठा लेती है। क्या बाबी? एक एक ब्रश मजबूत वाला। ओके ये ब्रश से कैसे घिसेगी? प्लीज टोकी मत। हाँ ब्रश से घिसती है, फिर ब्रश से घिसती है, मैल नहीं जाता। थापी उठाती है। क्या बाबी? एक मोटी थापी, एंटीक वाली मंगाना। टक 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 कस के मारती। अरे भाई ऐसे तो बच्चा मर जाएगा। प्लीज प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके हाँ, तो वो थापी से कूटती है, फिर थापी से कूटती है, फिर भी मैल नहीं जाता। माँ उसको वॉशिंग मशीन में डालती है, वॉशिंग मशीन से सूख कर बाहर निकलती है, फिर भी मैल नहीं जाता। फिर हमारी माँ को ख्याल आता है खरा खरा साबुन का। खरा खरा साबुन लेती है, एक हल्के स्पर्श से सारा मैल निकल जाता है। और हमारा वही स्लोगन, खरा खरा साबुन 100% खरा। वाह वाह वाह, सुपर सुपर, क्या कमर्शियल बनेगा ये, सो लकी। क्या क्या कमर्शियल बनेगा ये? तो कपड़े धोने के साबुन का कमर्शियल है, मुझे तो बच्चों का कमर्शियल चाहिए, बेबी सोप का। हाँ तो मैंने आपको कपड़े धोने का साबुन का दे दिया ना। हाँ तो मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे बच्चों के सोप का चाहिए। ओ लॉर्ड, मैंने गलत स्क्रिप्ट पढ़ दी। नहीं नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है। कपड़े की जगह बच्चा कर देता ना, प्रॉब्लम क्या है? अरे आपका दिमाग खराब हो गया। आप बच्चे को पहले ब्रश से घिसेंगे, उसके बाद उसपे थापी मारेंगे, उसके बाद उसको उठा के वॉशिंग मशीन के अंदर डालेंगे और घुमाएंगे, मतलब मुझे अंदर कराएंगे आप? प्लीज 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 शुक्ला जी, प्लीज कोई दूसरा स्क्रिप्ट सोचिए। फ्रेंकली आप जैसे क्लाइंट्स ना, हम डायरेक्टर्स को क्रिएटिव नहीं होने देते जी। एनीवे टीना बेबी कैंसिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स, शुक्ला कुछ और सोचो।
सर एक पान खाना पड़ेगा। एक पान तो है आपके मुंह में। अरे तो पान खाने में क्या ऐतराज कर रहे हैं आप? अरे इससे इंप्रोविजेशन में प्रगति होती है, समझते हैं ना पांडे जी? पांडे एक पान खिला दीजिए, बड़ी बेचैनी हो रही है, समझ रहे ना? कैसे यार, कली तो रखते थे। ये लो भाई, ये लो। नहीं आप नहीं, आप दीजिए। तो कहाँ थे हम लोग? आप मेरे कमर्शियल का स्क्रिप्ट लिख रहे थे। हाँ, वो साबुन वाली दी तो आपको। कपड़े धोने का साबुन नहीं है, बच्चों को नहलाने का साबुन है, बेबी सोप, उसका कमर्शियल बना दीजिए प्लीज। लेट्स सी, अभी लाएगा देखना। एक बच्चा बेबी, नोट डाउन, एक बच्चा अकेला नहा रहा है बाथरूम में। बच्चा इन बाथरूम? बच्चा अकेला नहा रहा है बाथरूम में, डबल कर देते हैं। देखिए आपको पता है कि मेरा ये जो साबुन है ये 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए है। बस हर बेबी सो भैया, 3 महीने का बच्चा बाथरूम में अकेला कैसे नहा सकता है? तो कितने महीने का नहा सकता, आप बताइए ना। अरे माँ नहलाएगी ना बच्चे को। माँ को का सुपर आइडिया, ये बहुत अच्छा है शुक्ला। अरे ग्लैमर बढ़ेगा ना शुक्ला। बेबी नो डाउन, माँ एक सेक्सी माँ। नहीं नहीं, माँ नहाएगी नहीं, माँ बच्चे को नहलाएगी, ममता भरा स्पर्श। वाह, तो ऐसा कहीं ना, जो सवार है उसका कई। तो एक माँ एक बच्चा जो कई दिनों से नहीं नहाया, कई महीनों से नहीं आया शुक्ला। 6 महीने से नहीं नहाया, मतलब जैसे पैदा हुआ तब से नहाया नहीं। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा है ना, बच्चा जितना गंदा होगा फिर खड़े साबुन से नहाएगा और निखरेगा, तो क्या है, प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस मिलेगी। In ad world, product is the most important thing. Now, this is creativity. हाँ, तो बच्चा 6 महीने से नहाया नहीं है। तो माँ अपने बच्चे को नहा रही है, बच्चा धो रहा है। बच्चा क्या धो रहा है? तो धो रहा है, धो रहा है। तो भाई 6 महीने का बच्चा क्या धोएगा? धो रहा है, धो रहा है। धो रहा कह रहे हैं? भाई मेरा साबुन धोने का साबुन नहीं है, बच्चे को नहलाने का साबुन है, बेबी सोप। आपके लिए और कह रहा था कुछ पिछला बकाया अपने लिए क्या लिया है नहीं। बहुत लूटते, बहुत लूटते। फिर धो रहा है यार, धो लेगा, धो रहा है। कई बार धो रहा है कहेंगे आप इससे पहले धो भी थे क्या? क्या पता? जब से बात हो रही है तब से आप धो रहा है कह रहे हैं। धो नहीं रहा है, रोना, रोना। हाँ मैं कैसे वही कर रहा हूँ ना, बच्चा धो रहा है। क्या धो रहा है? I mean, रो रहा है ना, पॉलिश आउट। अच्छा अच्छा, बच्चा रो रहा है। ओके, पूरा पान बर्बाद करवा दिया। नहीं चलो चलो छोड़ा, कम ऑन, बच्चा रो रहा है। फिर तो बाथरूम में माँ बच्चे को नहा रही है, बच्चा रो रहा है। माँ परेशान, ऊपर भगवान से कहती है, कैसा बेटा पैदा कर दिया मेरे हाथ, जब नहा और रोने लगता है। ग्राफिक्स ना, बिजली 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 वाला, और ऊपर से एक साबुन टॉपिश। आवाज, पुत्री रो मत, अपने बच्चे को खा साबुन का ममता भरा स्पर्श दो। रिवर्ब डाल देना इसमें, रिवर्ब। हाँ, फिर हाथ से आंसू, बच्चा चुप, रोता बच्चा चुप। वाह शुक्ला, वाह यार, तुमने तो मुझे रुला दिया। बोलो ये कहाँ से लाता है यार? तो आपका तो भाई हो गया, कल्याण हो गया, मतलब सुपर हिट है। क्या है कि क्या कॉन्सेप्ट है, रोते हुए बच्चे को हंसाने वाला साबुन, खरा साबुन, 100% खरा साबुन। नहीं सर, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हर माँ अपने रोते बच्चे को खरा साबुन से नहाएगी, तो समस्या कहाँ है? बस यही प्रॉब्लम है कि बच्चा जब जब रोएगा माँ उसको खरे साबुन से नहला देगी। हाँ तो अच्छा ना, प्रोडक्ट की सेल ज्यादा बढ़ेगी। क्या है, आई थिंक दिन में 6-7 बार कम से कम बच्चा रोता है, तो जैसे ही रोया नहला दिया। नहीं लेकिन अगर इतनी बार बच्चे को नहलाएंगे तो बच्चा बीमार हो सकता है। तो सर हम हर साबुन के साथ एक सर्दी की गोली फ्री दे देंगे। वेरी गुड बेबी, पर और कुछ नहीं, ये देखिएगा ये साबुन आपको कहां पे काम आएगा। हां ले आएगा, एकदम यहां तो वहां ले जाएगा। डोंट वरी मिस्टर मसूदी, आ दो बेबी, अरेंज द शूट, मॉडल एंड अ बेबी। सर लेकिन माँ कैसी होनी चाहिए? नहीं मिस्टर मसूदी, किस लड़की को माँ बनाना चाहेंगे आप? मैं अभी किसी लड़की को माँ नहीं बनाना चाहता। अच्छा वो हाँ, ज्यादा सोचिए मत भाई, पता है आपका बजट क्या है? हमें पता है ना भाई, वही उषा जी को माँ बना दो। ठीक है सर, और बच्चा? बच्चा तो पिछली बार भी आया था ना, उसके साथ पैकेज डील है ना, बच्चा फ्री है, डोंट वरी बजट के बारे में आप।
हाँ, और लोकेशन बुक कराओ। बाथरूम नहीं नहीं, पूल, स्विमिंग पूल। बच्चा स्विमिंग पूल में नहाएगा। मतलब 6 महीने का बच्चा स्विमिंग पूल में तैरेगा? ऐसा नहीं कहा ना मैंने। क्या है कि माँ बच्चे को पूल के पास बिठाएगी और पूल के अंदर से बाल्टी भर भर के पानी से नहलाएगी। वहाँ अंडर वाटर से ऐसा स्टार फिटर लगा के ऐसा। और क्या है, हमें अपर क्लास और मिडिल क्लास दोनों को दिमाग में रखना पड़ता है ना। पूल अपर क्लास और बाल्टी मिडिल क्लास। कट 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 कट। अरे भाई, साबुन लगाने के बाद बच्चे को चुप होना है ना, ये चुप क्यों नहीं हो रहा? 3 दिन से इसके चक्कर में शूटिंग कैंसिल हो रही है हमारी। किसका बच्चा है ये टीना? सर उषा जी का है। उषा जी की पेमेंट से पैसे काटो। क्या सर, बच्चा चुप हो गया? देखा, पेमेंट कटने के नाम से अच्छे अच्छे चुप हो जाते हैं। तो चुप हो गया ना। हो गया ना, रेडी स्टैंड बाय। टीना के खिलाफ रोल एक्शन। एक सेकंड, बच्चे को शुरू में तो रोना है ना भाई। मुझे पता है भाई, शुरू में बच्चे को रुलाओ। लेकिन कैसे रुलाओ? अरे कैसे भी रुलाओ, पर रुलाओ। सर नहीं रो रहा है। यो, यो, idiot, this girl is, देखो ऐसे बच्चे को यहाँ पे ऐसे चुमटे निकालो। ओके, रोएगा, जाओ। ओके सर, ये तो आप भी नहीं रो रहा। अरे तो माँ को रुलाओ। नहीं, माँ को कैसे रुला सकते हैं, स्क्रिप्ट के मुताबिक शुरू में बच्चा रो रहा है। मुझे पता है। ओके, डोंट डिस्टर्ब। भाई उषा जी, ये क्या प्रॉब्लम है, आपका बच्चा रो क्यों नहीं रहा? मेरा मोबाइल दो। अरे कमाल कर दे आप। आप एक बार बोल रहे हंसना चाहिए, एक बार बोल रहे रोना चाहिए। कैसे रोएगा बच्चा, कैसे करेगा? अरे भाई, जो रिक्वायरमेंट है शूटिंग की वो तो करनी पड़ेगी ना। बच्चे को रोना है शुरू में, ऐसे कर कर रोना वैसे थप्पड़ मार के ऐसे। अरे रोया क्या? हाथ नहीं लगाना मेरे बच्चे को, कह देती हूँ। मुझे नहीं करनी आपकी शूटिंग वूटिंग, बजट बिगाड़ दूंगी सारा। मैं जा रही हूँ। ना बेटू, ना तू रो रहा है, पहले रोने को क्या होता था? अब मुसद्दी लाली जी, इसे नहला दे तो चलेगा? बेबी एलिफेंट सोप नहीं है सर, बेबी सोप है। हाँ, ये तो बहुत मोटा है, क्या करें। अरे पटेल पटेल, ये क्या हाल बना रखा भाई, कुछ लेते क्यों नहीं, क्या करें। पैकअप कर दो। क्या बात कर रहे हैं भाई, पिछले 4 दिन से शूटिंग हो रही है, 30 सेकंड के एड में से 1 सेकंड का भी अभी तक शूटिंग नहीं हुआ है। मुझे तो लगता है मेरा साबुन लॉन्च होने से पहले ही मैं नुकसान में चला जाऊंगा। अरे भाई प्लीज, शूटिंग की पैकिंग मत कीजिए। अरे तो क्या करें यार, मॉडल भी चली गई, बच्चे को भी साथ लेके चली गई। पटेल पटेल, ये एड कैसे बनेगा? बनेगा, जरूर बनेगा। मुझ जैसे डायरेक्टर की क्रिएटिविटी कब काम आएगी आखिर में? मगर सोचने का काम मेरा नहीं है। ओके शुक्ला, शुक्ला, एक बच्चा माँ को नहला रहा है। क्या? नहीं मतलब एक माँ बच्चे को नहला रही है। अरे यार, पिछले 3 महीने से माँ बच्चे को नहलाने की कोशिश कर रही है। कभी बच्चा रोने लगता है और कभी हंसने लगता है। जब उसको रोना होता है तो रोता नहीं है, जब हंसना होता है तो हंसता नहीं है। अब बड़ी मुश्किल से जब उसने हंसना रोना बंद कर दिया है तो माँ उसको नहला नहीं पाती। यह क्या, यह क्या साहब? हाँ यार, ये माँ और बच्चे को अवॉइड करो यार। क्या? अरे भाई माइल शॉट है ना, अब डायरेक्टर को सोचने का मौका तो दीजिए। ये अल्लाह, डायरेक्टर भी सोचने लगेंगे। हाँ भाई, फॉर चेंज। भाई क्या है, हमें सेक्सी माँ नहीं चाहिए, बच्चा भी नहीं चाहिए, मगर फिर भी ग्लैमर और ताजगी तो चाहिए ना, कुछ सोचो ना शुक्ला। 2 मिनट सर। अरे पानी जी, कुछ खाने के लिए लाओ यार, ये आराम का मामला है। लाया सर। अरे वाह, पांडे जी का जवाब नहीं। ये क्या हो रहा, सोच रहे हैं? तो कौन सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। मेरे बेबी सोप का क्या होगा? रिलैक्स रिलैक्स, हमारी एजेंसी में सब ऐसे ही सोचते हैं, कुछ ना कुछ जरूर होगा, शुक्ला जी कुछ ना कुछ जरूर लेके आएंगे। कैसे? ये अंदर की बात है। कांग्रेचुलेशन आ गया। क्या? हाँ, क्या 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 बोले? एक युवती खूबसूरत ग्लैमर अति सुंदर स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जा रही है विद फुल स्विमिंग कॉस्ट्यूम। स्विमिंग पूल ग्रेट, अपर क्लास। हाँ, और कैमरा लड़की की टांगों से टिल्टअप होता है, होता है, होता है। ओफो, बाल झटकती है और फिर कैमरा बालों से नीचे टिल डाउन होता है, होता है, होता है। ओहो, क्यों काट दिया? वो अपने पैर स्विमिंग पूल के पानी में डालती हूँ। पानी बहुत ठंडा है, उसको तैरना नहीं आता। अरे अगर उसको तैरना नहीं आता तो वहां स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गई क्यों है? वो आउट ऑफ फ्रेम जाती है, बाल्टी उठाती है। अरे यार, स्विमिंग पूल पे जाएगी, बाल्टी भर के बाहर लाएगी, ये कैसा कैसा है क्या यार ये? सर, बाल्टी मतलब मिडिल क्लास। देखिए, अपर क्लास भी है और मिडिल क्लास भी है, यानी कि आपके प्रोडक्ट का रेंज बढ़ेगा। वो खड़ा सा मुंगटिया उठाती है,
सूंघती है उसकी खुशबू से वो महक उठती है और वो नाचने लगती है। और नाचते 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 लड़की के हाथ का साबुन, साबुन का क्लोज लेंगे यहाँ पे, वो पूल के अंदर गिरता है। वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, इतने बॉडी बिल्डर आता है और वो डूबते हुए साबुन को बचाने के लिए स्विमिंग पूल के अंदर कूद पड़ता है। और फिर पूरा अंडर वाटर शूट, साबुन ढूंढता है, साबुन ढूंढ रहा है वो साबुन निकाल कर लाता है और फिर स्लो मोशन में बाहर आता है पूरा 72 फ्रेम। वो साबुन ला करके लड़की को देता है, लड़की उसको देखती है, लड़का उसको देखता है, दोनों में हो जाता है प्यार। फिर हमारे बैकग्राउंड म्यूजिक पर दोनों थिरकने लगते हैं। होके सरा 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 साबुन हो तो खरा, खरा साबुन, दूध मलाई, नीम तुलसी, खीरा नारियल लो, और अड़ती जड़ी बूटियों से बना खरा 100% खरा साबुन। अरे वाह, क्या कमर्शियल है, क्या बात है, क्या बात है, क्या हाँ कमर्शियल बना। बेबी सोप को आपने ब्यूटी सोप बना दिया, इसके अंदर बेबी कहाँ? अरे भाई स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेबी तो है, बाबा थोड़ी है वो। मैं उस बेबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5-6 महीने के बच्चे की बात कर रहा हूँ। उसका क्या करेंगे आप, उसकी तो जरूरत ही नहीं है। अरे कमाल है, बेबी सोप के कमर्शियल के अंदर अगर बच्चा नहीं होगा तो कौन खरीदने जाएगा इस साबुन को? तो आपको क्या लगता है 5-6 महीने का बच्चा साबुन खरीदने जाएगा बाजार में? कैसी बात करते हैं आप। देखिए अगर साबुन कोई खरीदने जाएगा तो मम्मी या डैडी। हाँ, और मम्मी को साबुन का नाम याद रहे ना रहे मगर बॉडी बिल्डर जरूर याद रहेगा। जैसे डैडी को वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाली लड़की कभी नहीं भूलेगी। क्या आप याद नहीं करेंगे? लेकिन क्या हुआ बेबे? सर सोलोमन ने भी ऐड करने से इनकार कर दिया। हाँ? तो बॉडी बिल्डर कहाँ से लाएंगे? आई हैव अ फीलिंग हमें शूटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। हाँ तो कैंसिल कर दो ना शूट। जी नहीं, शूटिंग कैंसिल नहीं होगी चाहे कुछ भी हो जाए। अरे मगर बॉडी बिल्डर नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे? तो आप बन जाइए ना बॉडी बिल्डर, अच्छी खासी बॉडी है आपकी। हाँ हाँ वो तो है मगर क्या है, मैं ज्यादा एक्सपोज करना नहीं चाहता, वाइफ को अच्छा नहीं लगता। मैं बन जाऊँ? आप बनेंगे ना बॉडी बिल्डर अगर तो सिर्फ पान खाने वाले खरीदेंगे मेरा प्रोडक्ट। तो बॉडी बिल्डर कहाँ से लाएंगे भैया? चाय, क्योंकि क्या है कि मिल गया बॉडी बिल्डर मिल गया। ये इनकी बॉडी कहाँ पे? अरे भाई वो लो एंगल ऐसा लूंगा और बॉडी बिल्डर ना सही, हम उसको एंग्री यंग मैन की तरफ पेश करेंगे। ओके यानी अमिताभ बच्चन। करेक्ट, पहले अमिताभ बच्चन की भी बॉडी कहाँ थी, बट इवन देन ही वाज सो एंग्री यंग मैन देख के वो लोग एंग्री तो नहीं हो जाएंगे? अरे भाई आप चिंता मत करिए, देखिए आप परसों आ जाइए और आपका बेबी सोप का एड का कैसेट ले जाइए। ओके ओके तो क्या बनाया आपने? क्या बनवाया आपने? मैंने बेबी सोप का एड बनवाया था और आपने ब्यूटी सोप का एड बना के दे दिया। तो ठीक है ना, छोटे साइज में बढ़ेगा मजा। अरे भाड़ में क्या मजा, मेरे प्रोडक्ट की रेड मार के रख दिया आपने, इसको ले लिया आपने बेबी और इसको ले लिया ही मैन। अरे मगर मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही मैन के रोल के लिए सोलोमन फिट बैठना था मगर इनका बजट नहीं था ना। बजट नहीं था, 30 सेकंड की फिल्म के लिए 20 लाख रुपए खर्च हो चुका है और अभी तक एक साबुन नहीं बिका मेरा। हाँ तो ऐड तो चल रहा है ना। चलते चले जाते हैं। अरे इस ऐड को चलाने के चक्कर में तो कंगाल हो गया हूँ मैं, ना कोई माँ आती है खरीदने के लिए, ना कोई बाप आता है खरीदने के लिए, ऊपर से वो कंज्यूमर राइट्स वाले जो है उन्होंने केस कर दिया मेरे ऊपर, बर्बाद करके रख दिया आप लोगों ने मुझे। डोंट वरी, हम कुछ करते हैं। आप एक काम कीजिए, अभी तो आपने कहा कि आप कुछ करेंगे। हाँ तो हमने और आप में कुछ फर्क है क्या? देखिए आप लाइफ में सिर्फ बेबी सोप बनाना चाहते थे। जी नहीं, ब्यूटी सोप बनाना चाहते थे ना? चाहता था मगर अब कैसे बनाऊं? अरे क्यों नहीं, ब्यूटी सोप बनाइए और उसमें वो सब चीजें डालिए जो हमने एड में डाली है। अच्छा मतलब एड के हिसाब से अब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। हाँ तो इसमें हर्ज ही क्या है भाई, बना बनाया एड है तो ब्यूटी सोप की एड की तरह यूज करिए। तो वो जो मेरे पास बेबी सोप रखा हुआ है उसका मैं क्या करूँ? उसके लिए हम बनाएंगे एक नया क्या शुक्रिया, एक बच्चा नहा रहा। वाह,